नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि बैंगन की फसल में समेकित नाशी जीव प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, ये एक आधुनिक तकनीकी है जिसको IPM नाम से जानते हैं। इस तकनीकी के तहत आप अपनी बैंगन की फसल में बेहतर तरीके से कीट व रोग रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन उस जानकारी से पहले मैं आप सभी से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिसमें आप अपने कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वीडियो में उपलब्ध जानकारी से आप संतुष्ट हो तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं बैंगन की फसल में समेकित नाशी जीव प्रबंधन किसान भाई किस प्रकार करें। किसान भाइयों, बैंगन सब्जी वर्ग की एक प्रमुख फसल है। इसकी खेती अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर की जाती है। बैंगन की खेती वर्ष में 3 बार वर्षा, शरद और ग्रीष्म ऋतु की फसल के रूप में ली जाती है। बैंगन की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए आज अनेक उन्नतशील किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन फसल में रोग और कीट का प्रकोप फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे किसानों को बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। बैंगन की फसल में समेकित नाशी जीव प्रबंधन यानी IPM द्वारा रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल कर रोग और कीटों की सफलतापूर्वक रोकथाम करके एक बेहतर पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन यदि आप बैंगन की उन्नत खेती की जानकारी चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, तो यहाँ से क्लिक करके उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आके, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो भी आप सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसान भाइयों प्रमुख कीटों की, उसके बाद करेंगे प्रमुख रोगों की, उनकी पहचान की, और उसके बाद हम बात करेंगे रोकथाम की। सबसे पहले है अद्दा बरग। वैसक बरग गोल पीलापन लिए हुए भूरे रंग के होते हैं, जिन पर अनेक काले धब्बे पाए जाते हैं। उनके गिडार हल्के पीले रंग के होते हैं और इनके पूरे शरीर पर कांटे होते हैं। इनके अंडे सिगार के आकार के हल्के पीले रंग के होते हैं तथा आमतौर पर अंडे समूह में ये देते हैं। गिडार तथा वैसक पत्तियों का परिहरीम यानी क्लोरोफिल खुरच डालते हैं, हरे पदार्थ को खाते हैं और पत्तियों को बिल्कुल जालीदार बना देते हैं, जिससे उनकी आकृति सीढ़ी के समान हो जाती है। बाद में प्रभावित पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। उसके बाद है किसान भाइयों चेप्पा। बैंगन की फसल में इसके शिशु और वयस्क पत्तियों का रस चूस लेते हैं तथा प्रभावित पौधे पीले पड़ते हुए विरूपित होकर सूख जाते हैं। चेप्पा अत्यधिक मात्रा में शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं, जिस पर फफूंद उग जाते हैं एवं इस प्रकार पौधे के प्रभावित भागों पर एक मोटी काली परत जम जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और उससे आपकी पैदावार पूरी नहीं मिल पाती है जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। उसके बाद है किसान भाइयों पत्ती मोड़क। लार्वे पत्तियों को मोड़ देते हैं और उनके हरे भाग को खा जाते हैं तथा पत्तियों की भीतरी परतों पर बने रहते हैं और इस प्रकार छुपकर जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः मुड़ी हुई पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं। उसके बाद है किसान भाइयों पत्ती फुदका। शिशु और वयस्क पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह अपने शरीर के संदर्भ में तिरछे चलते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह में पत्तियों का रस चूसते हैं। संक्रमित पत्तियां ऊपर की ओर ऐंठ जाती हैं तथा बाद में पीली पड़कर मुरझाने लगती हैं। कीट के प्रकोप से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। फुदका छोटी पत्ती जैसे माइकोप्लाज्मा एवं विषाणु रोगों के भी वाहक हैं। उसके बाद है किसान भाइयों प्रो है वह फल छेदक। यह बैंगन की फसल का सर्वाधिक विध्वंसकारी नाशी जीव है। इसके सलभ के शरीर पर विशेष प्रकार के काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि उग्र पंखों पर सफेद बिनिया होती हैं। लार्वे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। आरंभिक अवस्था में लार्वे प्रोह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रयोग की बढ़वार
स्थल नष्ट हो जाती है और प्रवाह का मुरझाकर झुक जाना इस नाशजीव का प्रकोप का विशिष्ट लक्षण है। लार्वे फलों में उनकी अंकुड़ी के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार फलों पर कीट के आक्रमण का कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देता है। बाद में ये लार्वे फलों में छेद कर देते हैं जो निकास छिद्र के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रह जाते हैं और उनका बाजार भाव भी आपको नहीं मिल पाता है। ये तो थे किसान भाइयों कीट प्रमुख बैंगन की फसल के। अब प्रमुख रोग इस प्रकार हैं, डैम्पिंग आप बैंगन की फसल में यह रोग को देखिए अविकसित और विकसित दोनों अवस्थाओं में होता है। अविकसित अवस्था में बीज निकालने से पहले ही सड़ जाता है, जबकि विकसित अवस्था में पौधे मिट्टी की सतह पर गिर जाते हैं यानी अंकुर नहीं हो पाता है, और जब खड़ी फसल में होता है तो पौधे गिर जाते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों झुलसा और फल सड़न, यह बैंगन की फसल का गंभीर रोग है जो कि इसके पौधे की पत्तियों और फलों को संक्रमित करता है। पौध पर संक्रमण होने की अवस्था में यह डैम्पिंग ऑफ के लक्षण दर्शाता है। पत्तियों पर यह रोग छोटे गोल दूसर के भूरे रंग के धब्बों के रूप में आपको दिखाई देगा। संक्रमित फलों पर छोटे दसे हुए धब्बे के रूप में भी लक्षण इसके प्रकट होते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों छोटी पत्ती रोग, इसके प्रमुख लक्षण पौधे की पत्तियों का छोटा हो जाना है। पत्तियों का डंडल इतना मोटा हो जाता है कि पत्तियां तने से चिपकी हुई दिखाई देती हैं। संक्रमित पौधे की पत्तियां संकरी मुलायम चीकनी और पीले रंग की हो जाती हैं। नव विकसित पत्तियां और भी छोटी हो जाती हैं। तने के अंतर्गांठें भी छोटी पड़ जाती हैं। उग्र अवस्था में कलिकाएं बड़ी हो जाती हैं, लेकिन पौधे के पर्णवंत और पत्तियां छोटी ही बनी रहती हैं, जिससे पौधा झाड़ीनुमा दिखाई देता है। ऐसे पौधों पर फलन या तो लगते ही नहीं है और लगते हैं तो बहुत कम लगते हैं। उसके बाद है किसान भाइयों लाल मकड़ी, कुटकी, शीशों और वयस्कों की कॉलोनियां पत्तियों की निचली सतह पर रहती हुई उनका भरण करती हैं। जैसे जैसे कुटकियों की संख्या बढ़ती है सफेद सूखियों की संख्या भी बढ़ जाती है। अंततः पत्तियां विरंजित होकर सूख जाती हैं। कुटकियां पत्तियों की निचली सतह पर बड़ी संख्या में बनी रहती हैं। संक्रमित पत्तियां धीरे धीरे हटने लगती हैं तथा अंततः सिकुड़ी हुई भंगुर हो जाती हैं। भारी संक्रमण होने पर फसल भी प्रभावित होती है। ये कुटकियां महीन जाल भी बनाती हैं। उसके बाद है किसान भाइयों सूत्रकर्मी जड़गांठ, सर्वाधिक विशेष लक्षण पौधे की जड़ प्रणाली में गांठों या पुटियों का बनना है। ये पुटियां एकल और अनेक होती हैं। सूत्रकर्मी के प्रकोप से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियों का हरापन गायब हो जाता है तथा मुरझाने के लक्षण दिखाई देते हैं। फलन भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। प्रभावित खेत में पौधों के धब्बे दिखाई देंगे आपको, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इन सब का आप किस प्रकार रोकथाम करें वो इस प्रकार है किसान भाइयों। नाशजीव प्रबंधन IPM के तहत नंबर एक, जुलाई से अगस्त के दौरान डेचा की हरी खाद का प्रयोग करें आप। नंबर दो, आद्र गलन आदि को रोकने और अच्छी जल निकास के लिए जमीन से 10 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियां नर्सरी के लिए तैयार करें। नंबर तीन, जून के महीने में मिट्टी सौरीयकरण के लिए 3 सप्ताह तक 0.45 मिलीमीटर मोटी पोलोथीन की चादर बिछाएं, जिससे मर्दावाही कीटे जीवाणु मुरझन जैसे रोग और सूत्रकर्मियों को कम करने में सहायता मिलती है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सौरीयकरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी आवश्यक है। उसके बाद है किसान भाइयों नंबर चार, 3 किलोग्राम अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद में 250 ग्राम कवक के विरोधी ट्राइकोडर्मा को मिलाएं और कल्चर को समर्थ बनाने के लिए 3 सप्ताह तक ऐसे ही रखा रहने दें किसी छायादार स्थान पर, और 21 दिन के पश्चात इस सामग्री को आप 3 वर्ग मीटर की क्यारियों में अपनी नर्सरी में बुरकाव कर सकते हैं, मिला दें। उसके बाद नंबर पांच, बैंगन की फसल के लिए फलवे दग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव आप करें। नंबर छह, डैम्पिंग आप और जड़ गलन के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा 1% के साथ बीजोपचार यानी 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप प्रयोग करें। नर्सरी उपचार 400 वर्ग मीटर क्षेत्र का 250 ग्राम प्रति 50 लीटर पानी की दर से और पौध जड़ उपचार 1% 15 मिनट तक आप ट्राइकोडर्मा से उपचार करें तथा आवश्यकता अनुसार कैप्टान 75 WP 0.25% की दर से मिट्टी का भी उपचार आपको करना चाहिए।
यदि आपके खेत में डैम्पिंग आप यानी जड़ गलन रोग है तो। ये तो थे किसान भाइयों नर्सरी की जब आप तैयारी करते हैं उसके लिए। अब बात आती है मुख्य फसल की, तो नंबर एक बैंगन की फसल में सफेद मक्खिया दी के लिए पीले चिपचिपे फंदे या डेल्टा फंदे 2 से 3 प्रति एकड़ की दर से आप लगाएं। नंबर दो चूषक नाशी जीव और पत्ती मोड़क कीट को नियंत्रण करने के लिए एक एक सप्ताह के अंतराल पर NSKE 5% के 2 से 3 छिड़काव आप कीजिए। नंबर तीन यदि सफेद मक्खी और अन्य चूषक कीट नाशी जीव का प्रकोप अब भी आर्थिक हानि सीमा से अधिक है तो 250 से 340 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में फेथिन 30 EC या फिर डाइफेना था ओयूरान 50 WP 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या फिर कुलानफोस 25 EC का 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या फिर फोस्फामिडोन 40 SL 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 750 लीटर पानी के साथ या फिर आप स्पाइरोमीसिफेन 22.9 SC 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर को 500 लीटर पानी के घोल में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी एक दवा का चुनाव करना है जो आपके पास उपलब्ध हो। उसके बाद नंबर चार किसान भाइयों बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग से प्रभावित पौधों की आपको छटाई करनी चाहिए। नंबर पांच बेदक सलभों को बड़े पैमाने पर प्रकोष में फंसाने के लिए 100 प्रति हेक्टेयर की दर से गंध पोष लगाए जाने चाहिए। प्रत्येक 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुराने लस्से के स्थान पर ताजा लस्सा लगाएं यानी ल्योर को बदले उसके को। नंबर छह बैंगन की फसल में आरंभिक अवस्थाओं में समय समय पर क्षति प्रवों को काट देना चाहिए यानी ऊपर के भाग को जहां पे क्षति है उसको काट कर आप नष्ट कर दें क्योंकि उसमें कीट है। नंबर सात बैंगन की फसल में 10 प्रति एकड़ की दर से पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पक्षी बैठने के ठिकाने बनाइए। उसके बाद नंबर आठ NSKE के छिड़काव से भी बेदक कीटों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। नीम के तेल 1% का प्रयोग करना भी बेदकों के संक्रमण को कम करने में सहायक सिद्ध है यदि यह बहुत कम प्रभावी पाया जाता है। नंबर 9 प्रोह और फलबेदक के लिए एक एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ब्रेसिलिनियस के अंडे या फिर परजीव्या को आप छोड़े। नंबर 10 सूत्रकर्मी तथा बेदक से होने वाली क्षति को कम करने के लिए रोपाई के 25 तथा 60 दिन बाद पौधों की कतारों के साथ मिट्टी में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नीम की खली का प्रयोग कीजिए। यदि हवा की गति तेज हो और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो नीम की खली का प्रयोग आप न करें क्योंकि वो कम प्रभावी होगी। नंबर 11 प्रोह और फलबेदक के प्रभावी नियंत्रण के लिए 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार क्लोर एटनालिलोप्रोल 18.5 SC का 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या फिर इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SC का 200 ग्राम या फिर ट्राइक्लोरोफोन 50 EC का 1.0 किलोग्राम या फिर फोसेलोन 35 EC का 1500 मिलीलीटर या फिर लेम्बहेडा साइएलरोथिन 5 EC का 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में 15 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करना चाहिए। इनमें से आप किसी भी एक दवा का चुनाव कर सकते हैं कीटनाशक का। नंबर 12 होम्योपैथिक और छोटी पत्ती रोग से संक्रमित पौधों को एकत्रित करके नष्ट करें और खेत को साफ सुथरा रखें। नंबर 13 होम्योपैथिक प्रभावित फल एवं पर्ण धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए खेत में 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिनेब 75 WP 750 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर या फिर कार्बंडोजिन 50 WP 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी के घोल के साथ छिड़काव कीजिए आप। नंबर 14 बैंगन की फसल लगातार उगाने से बेदकों और मुज्जन रोग का संक्रमण अधिक होता है, अतः गैर सेलोनिस किस्मों की फसलों को अपनाते हुए उचित फसल चक्र आप अपनाइए। मित्र कीटों का संरक्षण कीजिए। बैंगन की फसल प्रणाली सामान्य रूप से दिखाई देने वाले प्राकृतिक शत्रुओं की रक्षा की जानी चाहिए।
इसके लिए रासायनिक दवाओं का अवांछित और अतिरिक्त छिड़काव नहीं करना चाहिए। यानी जहाँ पर आपके मित्र कीट अधिक हैं वहां पर आप कीटनाशक का छिड़काव नहीं करें तो वो बेहतर रहेगा। तो ये तो थे किसान भाइयों बैंगन की फसल में समेकित नाशजीव प्रबंधन की जानकारी। आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगे तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास ये पहुंचे। और यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आती है तो आप हमारी वेबसाइट पे आके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से क्लिक करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विशेष निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।